प्रैक्टिस करा तो ये आपके लिए आसान हो गया। किस किस को ऐसा लग रहा है कि पहले टफ था लेकिन हाँ सर अब आसान हो गया, सच दिल बना देना जरा। जिन्होंने जब पहली बार ट्राई करा तो उनको समझ नहीं आया क्या पूछ लिया भाई, क्या ये, लेकिन आज ये आसान लग रहा है। सारे बच्चे दिल बनाना जिनको ये पहली बारी में टफ लगा लेकिन आज ये आसान लग रहा है। देखो देखो भाई दिला रहे हैं ना, यही मैं कहता हूं पेशेंस। उस समय मैंने आपको कहा था आप लड़ो इस क्वेश्चन से, उस समय मैंने क्या बोला था आपको लड़ो, चैलेंजर है, कर गए तो अच्छी बात, नहीं करे तो कोई लूज नहीं है। लेकिन आज समय के साथ आपने एटीट्यूड अपना फाइट मारने का करा, सीखने का करा, और आज आप खुद से आंसर तक पहुंच रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं, यही दो साल करना है। हो सकता है क्लास में आपको कई बार ऐसा लगे ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप शिद्दत से प्यार से उस चीज को दोबारा देखेंगे और फिर से लड़ेंगे आपसे वो हार जाएगा, क्वेश्चन टिकेगा नहीं आपके सामने। ठीक है, बहुत ये टफ है, टफ है, टफ है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, तुम मेरे बिल्कुल छोटे भाई के जैसे हो। ठीक है, इस क्लास के बाहर मैं भले ही जैसा भी इंसान हूं लेकिन यहां पर मैं प्रॉपर टीचर हूं तुम्हारे लिए। हंसी मजाक अलग, आज हंसी मजाक नहीं कराया मैंने। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज एडवांस पढ़ना था, आज अपना लेवल उठाना था। जब तुम बार 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 ये बोलोगे ना टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, मुझे नहीं पता अब यहाँ पे जो ये थम्स अप आ रहे हैं ना, मुझे इससे क्या लग रहा है, अच्छा इसलिए टफ बोल रहे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि ये बीच में आ गए, इन्होंने स्टार्टिंग से मेरे से कनेक्ट ही नहीं हुए, स्टार्टिंग से कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूनिट्स में भी सिखाया था, वहां बीज बोया था, यहां फल खा रहे हैं। अब पता क्या है, टीचर को क्या लगता है, अच्छा यार बच्चा ना वीक है, लेवल कम कर देते हैं, फिर मैं टच ही नहीं करूंगा। लेकिन आप जानते हैं, आप जानते हैं कि कमी कहां है।